हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम लोग पॉलिटी की यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, वो धेआईएस की टेस्ट नंबर 11 है यानी कि 11। तो मैंने सोचा थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नॉर्मल बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे तो उनकी लैंग्वेज ऐसी लिखी रहती है कि हमें फर्स्ट या सेकेंड रीडिंग में पता नहीं चलती है, ठीक है। और उसके लैंग्वेज बदलकर कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा ला मुश्किल से दो से 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। वैसे आपको ये देखने से खुद ही पता चलेगा कि हाँ आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है। ओके, देखिए मैं आर्टिकल को ज़्यादा ध्यान में नहीं रख रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान में रखती हूँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आर्टिकल को आप बाद में भी रट सकते हो। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो ऐसे समग्र तरीके से पढ़ो कि फिर आपको UPPCS में एग्जाम आए, UPSC में आए, RORO में आए। अगर फैक्ट के बेस्ड पे आप क्लियर हो तो फिर आर्टिकल बाद में रटे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आर्टिकल का उतना ध्यान नहीं दिया है, जहाँ जहाँ लगा है मैंने ध्यान दिया है। मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो नॉर्मल जब हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होते हैं। आई थिंक कि आपके हो जाते होंगे क्लियर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे नहीं होते तो आपके भी नहीं होते होंगे, बट मुझे लगता है कि जब RORO के लिए पढ़ रहे हो या न्यू जो बिगनर्स हैं सॉरी जो बिगनर्स हैं तो उन्हें ये चीज़ें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे भी लगा था, तो उसलिए देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित तिथि पर होता है कि अब चुनाव होगा, तो उनके चुनाव के लिए जो लोग आते हैं कि नहीं मुझे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालना है, वो कौन होते हैं, तो उसमें 50 अनुमोदक, ये लैंग्वेज UPSC की है, UPSC ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, UPPCS भी इवन बनाता है, ठीक है। तो पूछते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में 50 अनुमोदक और 25 प्रस्तावक होते हैं, वो ऐसे लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर फैक्ट बताती जा रही हूँ, जो जो क्वेश्चन बने हैं, जो जो मुझे याद आते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रही हूँ। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें 50 अनुमोदक होते हैं और 50 प्रस्तावक होते हैं, ठीक है। तो ये 50 अनुमोदक और प्रस्तावक होते कौन हैं? ये होते हैं MP और MLA, ठीक है। ये नॉर्मल कोई भी व्यक्ति उठ के नहीं कि नहीं नहीं मुझे भी प्रस्तावक बनना है या अनुमोदक बनना है। वैसे भी ये सब लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, ठीक है। हमारे द्वारा जो इलेक्ट करके MPs और MLAs भेजे जाते हैं वो लोग हमारे बिहाफ पे, हमारे मतलब जनता के बिहाफ पर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। MP और MLA तो 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं। ऐसे आप पॉइंट लिखते जाओगे तो याद रहेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बदली जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में संख्याओं का फेरबदल होता है तो वो लोग लैंग्वेज को बदल देते हैं, ठीक। इसके बाद में कोई भी व्यक्ति, जैसे कि अभी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अनुसूचित जाति से हैं, या रामनाथ कोविंद जी थे अनुसूचित जाति से, या कोई जनरल सामान्य जाति से है, तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य जाति का है, सामान्य जाति का, तो वो 15,000 की जमानत राशि जमा करेगा, और जो अनुसूचित जाति का वो 5,000। ऐसा जरूरी नहीं कि RORO में यही क्वेश्चन आ जाए कि नहीं नहीं जमानत राशि के बारे में बताओ, बट मैं ये आपको समग्र जानकारी की वजह से बता रही हूँ, ठीक है। तो इतनी जमानत राशि जमा होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आया है कि निर्विरोध अभी तक कितने राष्ट्रपति चुने गए हैं निर्विरोध, तो आपको याद रखना कि अभी तक निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी हैं, वही चुने गए हैं, ठीक है। ऐसे भी भारत में एक राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें पहली मतगणना में पूरे वोट नहीं मिले तो उनकी द्वितीय मतगणना, द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। अब द्वितीय चक्र की मतगणना क्या होती है, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जैसे ऐसे 1, 2, 3 ऐसे करके नंबरिंग चलती है। तो जैसे किसी को दो राष्ट्रपति उम्मीदवार, जैसे दो उम्मीदवार खड़े हुए तो आप 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक है, तो 50 में से 25 की जो पसंद है वो फर्स्ट नंबर पे है, 50 की पसंद जो सेकंड नंबर पे है, तो अगर फर्स्ट वाले की नंबर की पसंद कम है तो उन्हें उतने मत नहीं मिलेंगे, है ना। उसी तरीके से तो वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, हर आम व्यक्ति के समझ में नहीं आएगी, पर जो करवाता है उन्हें समझ में आती है। तो वहां पर ये बताया गया कि द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी जब VV गिरी जी राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए देखिए एक फैक्ट आपको और बता देती हूँ। जब MPs और MLAs उसमें जाते हैं वोट डालने, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि जिस तारीख को चुनाव होना है उस तारीख को किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई, ठीक है, तो जो MPs होंगे वो तो मतलब हट गए, क्योंकि जब विधानसभा या जो वहाँ की चलती है तो वो तो भंग हो गई, तो वहाँ पर तो कोई MPs MLAs नहीं बचे। अब उसी तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो क्या किसी राज्य की विधानसभा भंग होने से
एमपीज और एमएलएज ना आने से क्या जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है वो रद्द होगा या उसे रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि यदि निर्वाचक मंडल में रिक्ति हो जाए, मान लो कोई एमपीज एमएलएज नहीं आ पा रहे हैं, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव रद्द नहीं होगा। उसकी वो अलग प्रक्रिया है, पर चुनाव रद्द नहीं होगा। ये क्या नाम से, ये रीजनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये यही लैंग्वेज थी कि यदि निर्वाचक मंडल में रिक्ति हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव रद्द होगा या नहीं, और ऑप्शन बनाकर दिया था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप ऑप्शन को टैकल कर ले जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है केवल, और हर चीज़ को तो रट्टा नहीं मार सकते, आर्टिकल्स को रट्टा मार सकते हैं पर कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मार सकते, वो तो समझ से ही आता है, ठीक है। सुन लो जरा, चलिए तो अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की पदमुक्ति और महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है, और उनकी अगर पदमुक्ति होती है यानी कि अपने जो कार्यकाल है वो समाप्त होता है, कैसे क्या, वो थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। मैं किसी आर्टिकल पे बहुत ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ जो काफ़ी दिक्कत करते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो देखो, रिक्ति, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उसने किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया तो उसकी पोस्ट रिक्त हो जाएगी। भगवान न करे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर उनकी मृत्यु होती है तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। अगर उनका निर्वाचन रद्द होता है किसी कारणवश, वैसे तो ऐसा नहीं होता है अभी तक, पर बाय द वे एक्सेप्शन एक चीज़ होती है, अगर होता है तो निर्वाचन रद्द तो भी रिक्ति पद मतलब रिक्ति हो जाएगी, पद खाली रहेगा। और महाभियोग के द्वारा, ये चार कारणों से, अगर इन चार कारणों से कभी भी रिक्ति होती है तो रिक्ति होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जैसे कि ये रिक्ति हुई तो क्या लगता है आपको कि भारत में राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा और भारत की जो कार्यप्रणाली है वो चलती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कि 30 जुलाई को कोई भी राष्ट्रपति हैं, अगर वो 30 जुलाई को अपने पद से पदमुक्त हो रहे हैं तो आप देखना 26 से 27 जुलाई तक ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। इसके बाद में वो पद ग्रहण, जैसे उनका 30 जुलाई को रहा तो 1 अगस्त इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कभी भी इन चार कारणों से अगर पद रिक्त होता है, महाभियोग, निर्वाचन रद्द होने, मृत्यु या त्यागपत्र के द्वारा, तो उस तिथि से लेकर 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखिए, यदि पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, मान लीजिए जैसे वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनका अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है किंतु किसी भी कारण से चुनाव नहीं हो पाए, मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, या मान लो कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए भारत में, पर मैं एक जस्ट इमेजिन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई और चुनाव को 1 से 2 महीने डिले कर दिया गया, तो उस स्थिति में क्या होगी, आप मुझे इसका, जिसने भी कहीं भी पढ़ा हो, जैसा भी पढ़ा हो, ऐसा नहीं कि इसका सही आंसर ही पता हो तभी हम जवाब देंगे, आप अपने थॉट प्रोसेस से बताइएगा कि उस स्थिति में क्या होगा, किसी भी कारण से अगर चुनाव डिले हो जाता तो उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये चार कारण आपको बताए, इन कारणों से अगर पद रिक्त होता है तो वैसे तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक और बताती हूँ, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो गई तो राष्ट्रपति तो हट गए, तो आपको पता है कि कई बार देश में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने संभाला है तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कारणवश पहले राष्ट्रपति जी नहीं है तो उनका जो कार्यभार है उपराष्ट्रपति ने संभाल लिया, अब उपराष्ट्रपति जी भी भारत में नहीं है अगर किसी कारणवश, तो फिर वरीयता क्रम में कौन संभालेगा उनका जो कार्यभार है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संभालेंगे। किसी कारणवश से अगर CJI भी नहीं तो फिर कौन संभालेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्रम से, ठीक है, ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति ही कहलाएंगे। आज तक भारत में हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश ही क्रम से ये संभालेंगे, ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। लेकिन क्या जब ये राष्ट्रपति के पद को संभाल रहे होंगे तो इनका जो वेतन और पेंशन है वो राष्ट्रपति की मिलेगी या इनको अपने पद की, जिस पद पर ये थे, ठीक है, इसका भी आपका आंसर हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। जो भी वीडियो देखे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपसे बात करती हूँ और पूछती भी हूँ। अगर आपको ये बात पता थी तो आप बताइएगा, अगर नहीं पता थी तो क्या पहली बार पता चलिए, और अगर पता थी तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा कि जिस समय अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देख रहे हैं तो उन्हें अपने पद की सैलरी और पेंशन मिलेगी या राष्ट्रपति के पद की सैलरी या पेंशन मिलेगी, ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, जो भी कहीं से भी जैसे भी सुन रहे हैं वीडियो को, देख रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ऐसे फैक्ट थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थे।
आर्टिकल वगैरह तो आपको बहुत सारे चैनल, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, नो डाउट्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो सीखने को मिल ही जाता है। लेकिन ऐसे भी फैक्ट अगर आपको मिल गए तो बताइएगा मुझे, नहीं मिले तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 3 से 4 आर्टिकल हैं जो हमें बहुत बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, 352, 359, 357, ऐसे करके, जो राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ऐसे करके जो हमें बहुत टेंशन देते हैं, इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से अगर पता चल जाए लेमन लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब अगर भाषा नहीं समझ में आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हमें फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो चुनाव कितने समय में हो जाएंगे, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 14 दिन, 3 महीने, ऐसे करके खूब क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी इसी को, इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।